साथियों, एक और बुराई की तरफ गुरु ने हमारा ध्यान दिलाया है, जिसके कारण हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। ये बुराई है बेईमानी की, दूसरों के हक को मारकर अपना हित साधने की। गुरु जी ने कहा था, श्रम कौ ईसर जानी कई, श्रम कौ ईसर जानी कई, जऊ पूज ही दीन रैन, यानी सच्चा श्रम ही ईश्वर का रूप होता है। ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसकी कमाई से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। गुरु जी की इस भावना को बीते 4.5 वर्ष में हमारे राजनीतिक और सामाजिक संस्कारों में ढालने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। नोटबंदी हो, बेनामी संपत्ति के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई हो, या फिर काले धन की प्रवृत्ति के खिलाफ सख्ती से उस प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास है जिसको व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया था। भारत में ये सब चलता है। इस तरह की मानसिकता घर कर गई थी। साथियों, संत रविदास जी के आशीर्वाद से नए भारत में बेईमानी के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। जो ईमानदारी से, अपने श्रम से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार हर स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी मिलेगी। हाल में आप सभी ने देखा होगा कि जो ईमानदारी से कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे करोड़ों मध्यम वर्ग के साथियों की 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय से टैक्स हटा दिया गया है। एक तरफ जनता का पैसा लूटने वालों को सजा दी जा रही है, दूसरी तरफ ईमानदारी का सम्मान भी किया जा रहा है।